okay, I had literally no idea that I would ever make this video. For those who do not know, मैंने क्विजिस्तान ऐप के बारे में एक वीडियो बनाई है। इस क्विजिस्तान ऐप में आप वेरियस टॉपिक्स पे क्विज खेल सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने लाइव क्विज खेला है कैमरे के सामने एंड आई हैव गॉट 11th पोजीशन। एंड आई थिंक यू शुड वॉच दैट वीडियो, दैट इज़ माई वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड वीडियो एज ऑफ नाउ। इट हैज़ गॉट ओवर 50,000 व्यूज़। लिंक आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो में मैंने क्विज तो खेला, पैसे तो जीते, बट उस पैसे को मैंने रिडीम करके अपने व्यूवर्स को नहीं दिखाया। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले कि भाई पैसे रिडीम करते हैं, ये तो दिखा, हाउ डू वी रिडीम, हाउ डू वी विथड्रॉ मनी फ्रॉम दैट ऐप। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि मैं आपको दिखा सकूं कि जो पैसे मेरे क्विजिस्तान अकाउंट में है उसे कैसे रिडीम करते हैं, उसे कैसे विथड्रॉ करते हैं, उसे कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे पहले मेक श्योर कि आपका जो क्विजिस्तान ऐप है वो पूरा अपडेटेड हो। अभी कुछ अपडेट्स में इसका पूरा UI सब कुछ चेंज हो गया है। और जब मैंने वीडियो बनाई थी 1 साल पहले, तो उस ऐप में जितने भी क्विजेस थे वो सारे के सारे फ्री थे। बट अभी जब मैं देखता हूँ तो उसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे क्विज होते हैं वो पेड होते हैं। आपको कोई ना कोई एक एंट्री चार्ज देनी होती है, चाहे वो 5 रुपये हो, 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, आपको कोई ना कोई एंट्री चार्ज देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्विज खेल सकते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ द मेन रीज़न कि ये जो ऐप है वो प्ले स्टोर से विथड्रॉ कर दिया गया है। अब इस ऐप को आपको डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे ऐप नहीं मिलेगा, आपको इनके क्विजिस्तान.in वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। सेम चीज़ आई थिंक ड्रीम इलेवन के साथ हुआ था। जब ऐप नया था ड्रीम इलेवन, तो वो प्ले स्टोर पे था, लेकिन वो मनी चार्ज करते थे, वो एक प्रकार का एंट्री फीस लेते थे। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ गैम्बल। आई थिंक ये गूगल के पॉलिसी के अगेंस्ट है कि आप इस प्रकार का ऐप अपने प्ले स्टोर पर आप नहीं रख सकते, तो इसकी वजह से वहाँ से रिमूव कर दिया गया है। बट आप इसके वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ से डाउनलोड करके खेल सकते हैं। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि आपके द्वारा जीती गई जो राशि है, जो बैलेंस है क्विजिस्तान ऐप पे, उसे कैसे विथड्रॉ किया जाए। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है इसके लिए कि आपका जो मिनिमम बैलेंस वो 100 रुपीज़ होना चाहिए। आप क्विज जीत जीत कर अपने अकाउंट बैलेंस को 100 रुपये करें, तभी आप उसे रिडीम कर सकते हैं। अगर आपका बैलेंस 100 रुपये से कम है तो आप उसे रिडीम नहीं कर सकते। यहाँ पे मेरा जो बैलेंस है दैट इज़ मोर देन 100 रुपीज़, तो आई एम एलिजिबल टू विथड्रॉ दैट अमाउंट। सबसे पहले क्विजिस्तान ऐप को ओपन कर लें। और अगर आपका ऐप अपडेटेड नहीं है तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको अपडेट करने का ऑप्शन आएगा, और ये जो अपडेट का जो ऑप्शन है आपको प्ले स्टोर पे नहीं ले जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये जो ऐप है वो प्ले स्टोर से विथड्रॉ कर दिया गया है, प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। तो डोंट वरी, आप इनके वेबसाइट quizistan.in से आप इजीली यहाँ से आप अपग्रेड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और इस ऐप में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, पूरा UI चेंज हो गया है। जो मेरी वीडियो थी वो आपने देखा होगा, करीब 1 साल पहले की बनी हुई थी वो वीडियो, और ऑलमोस्ट सारे जो क्विज अभी मैं देख रहा हूँ उसमें एंट्री फ़ी है, इसकी एंट्री फ़ी है 9,999 रुपीज़, इसकी एंट्री फ़ी है 50 रुपीज़। तो यहाँ पे तरह तरह की एंट्री फ़ीस हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्राइज़ मिलेंगे। यहाँ पे 20 विनर्स हैं और इसकी जो टोटल प्राइज़ मनी है वो 2,50,000 की है। जितनी ज़्यादा एंट्री फीस होगी प्राइज मनी उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पे आप डेमो खेल सकते हैं सारे क्विज का। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे रिडीम करते हैं। सबसे पहले मैं अपना बैलेंस देख लेता हूँ। 105 रुपये यहाँ पे मेरा बैलेंस है और यहाँ पे विथड्रॉ का ऑप्शन आपको दिखता है। यहाँ पे आपका मोबाइल और आपकी ईमेल आईडी होगी और यहाँ पे आप KYC, अपना आईडी कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हैं। नेम, आईडी कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सेलेक्ट स्टेट, जो भी आपके KYC, आपके पैन कार्ड में जो जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें आप सही से यहाँ पे मेंशन कर दें। तो सारी डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे लिख के आ रहा है कि योर डिटेल्स हैव बीन सबमिटेड, आवर टीम विल वेरीफाई इट मैनुअली एंड दिस विल टेक अप टू 72 आवर्स। ओके, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट टाइम दे हैव आस्क टू टेक। और यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम और बैंक ब्रांच, ताकि आपको पैसे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और ऑब्वियसली अगर आपकी सारी डिटेल्स बिल्कुल सही सही है तो ये बैंक वेरिफिकेशन और जो कुछ भी वेरिफिकेशन उसमें पास हो जाएगा और आपने जितने भी राशि जीत रखे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और आप उसे निकाल सकते हैं। चूंकि मैं पहली बार ट्रांसफ़र कर रहा हूँ पैसे, इसलिए सारी डिटेल्स से मांग रहे हैं। उसके बाद
डिटेल्स ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, और फ्यूचर में जब भी मैं अगर बैलेंस विथड्रॉ करना चाहता हूँ अपने बैंक अकाउंट में, तो इतना ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं कि वेरिफिकेशन और ये सब सिर्फ पहली बार के लिए हो रहा है। लाइक 2 से 3 दिन हो गए उस वीडियो को, तो अभी मैं देखता हूँ मेरा अकाउंट वेरीफाई हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे आप अपने बैलेंस पे जाएं, और उसके बाद मैंने उस वक्त 105 रुपये थे, बट कुछ रिवॉर्ड्स मुझे मिलकर टोटल 128 रुपये हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं माई रिसेंट ट्रांजेक्शन्स में जो +1, +2, +5 ये जो रिवॉर्ड्स मिले, इन सब की वजह से 128 रुपये हो गए। तब मैं 128 रुपये विथड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आप विथड्रॉ पे जाएं, अपना विथड्रॉ अमाउंट डालें, टोटल 128 और विथड्रॉ। यू आर अलाउड टू कैश आउट वंस इन एवरी 3 आवर्स, मतलब कि आप हर एक 3 घंटे पे एक बार आप ऐसा कैश विथड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लिख किया गया है -128, जो आपके जो क्विजिस्तान अकाउंट है उससे 128 रुपये डिडक्ट हो गए, और वो आपको कैश आउट टू बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ऐसा सिंपल स्टेप्स। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो आप मेरा पहले वाला वीडियो देख लें जिसमें मैंने लाइव क्विज खेलकर जो पैसे मैंने जीते हैं मैंने लाइव कैमरे पे दिखाया है खेलकर, तो दैट इज़ फन। So okay, I will talk to you in the next one.